सिरोही जिले के असावा गांव में देवक्षेत्र महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। देवक्षेत्र महादेव मंदिर में 11 से यानी कल से 13 अप्रैल तक महासुंदरी यज्ञ होना है। शोभा यात्रा, भजन संध्या के साथ साथ महाप्रसादी होगी। ये तस्वीरें सिरोही के असावा गांव की, जहां महासूर्य यज्ञ की ये तस्वीरें हैं और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से संत आ रहे हैं। आज ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 बालिकाओं ने सर पर कलश लेकर, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं, जिसमें बालिकाएं सर पर कलश लेकर शोभा यात्रा के लिए निकल रही हैं। बताएं आपको कि 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है और मान्यता इसको लेकर ये है कि हजारों साल पहले सुख शांति के लिए पांडवों ने इस तरह का यज्ञ किया था। सुख शांति और अमर चैन की कामना के साथ ही आज एक बार फिर से 3 दिन के इस महोत्सव की कल से शुरुआत हुई, जहां इस धार्मिक आयोजन में देश भर से संत जुटे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब इसमें उमड़ा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा इस तरह का आकर्षण का केंद्र रहा, तो उसके साथ ही 108 कुंडी यज्ञ और पूरा परिसर मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा। आस्था का ये सैलाब, जिसमें 108 बालिकाओं ने सर पर कलश लिया, शोभा यात्रा के लिए निकाली जा रही है शोभा यात्रा। यहाँ देश भर से यहाँ संत जुटे हैं। इसके साथ ही महासूर्य यज्ञ कल जिसकी शुरुआत हुई, भजन संध्या होगी, महाप्रसादी होगी, कथा वाचन हो रहा है। एक धार्मिक, बड़ा धार्मिक आयोजन इसे कहा जा सकता है। देवक्षेत्र महादेव मंदिर की तस्वीरें सिरोही के असावा गांव की, इसको लेकर काफी लोगों में मान्यता है कि सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए इस हवन को करवाया जाता है। महादेव मंदिर में महासूर्य यज्ञ की तस्वीरें आप देखिए कि यहां श्रद्धालुओं का सैलाब कितना भव्य है। हाथी घोड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही भजन संध्या भी यहां होगी और फिर महाप्रसादी।